तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट हाइड्रोफिलिक। एज द नेम इंडिकेट्स हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो टर्म यूज करते हैं हम लोग वाटर के लिए। सो द हाइड्रोफिलिक इज डिफाइंड एज द पॉलिनेशन बाई वाटर। पॉलिनेशन बाई वाटर इज डिफाइंड एज हाइड्रोफिलिक। एंड द पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन है ये बहुत ज्यादा क्या है, रेयर है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मैंने आपको बताया था अबाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। एक कौन सी, बायोटिक एजेंट्स की कैटेगरी है, एक एबायोटिक एजेंट्स। और एबायोटिक एजेंट्स में दो इंपॉर्टेंट एजेंट्स मैंने आपको बताए थे, विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा या फिर पॉलिनेशन होगा किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। और ये जो कैटेगरी है इट इज द मोस्ट डोमिनेटिंग और मोस्ट फेवर्ड कैटेगरी। ये मोस्ट फेवर्ड कैटेगरी होगी, ये भी मैंने आपको बताया था कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन, बिकॉज द चांसेस ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन इज फार मोर हाई और बेटर इन केस ऑफ बायोटिक एजेंट्स देन दैट ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। इस वजह से ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिफर करते हैं बायोटिक एजेंट्स को फॉर द पॉलिनेशन, फॉर द पॉलिनेशन। तो यहाँ पे बायोटिक जो है वो एबायोटिक पे डोमिनेटिंग है, ज्यादा प्रिफर्ड या फेवर्ड है बायोटिक एजेंट्स वाली कैटेगरी। और अगर मैं एबायोटिक एजेंट्स में विंड और वाटर को कंपेयर करूं, रिलेट करूं, तो मैंने ये बताया था आपको पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन एमंग द एबायोटिक पॉलिनेशंस। तो अगर हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं एबायोटिक एजेंट्स को, तो विंड के थ्रू पॉलिनेशन ज्यादा प्रिफर्ड या फेवर्ड होगा बाय द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, बजाय कि वो प्रिफर करें वाटर को। तो मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिनेटिक एजेंट्स में दो, बायोटिक मोस्ट प्रिफर्ड कैटेगरी है और एबायोटिक में विंड के थ्रू पॉलिनेशन करना ज्यादा प्रिफर करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, रेयर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा। तो रेयर होगा और लिमिटेड होगा, और सिर्फ कितने जीनस में हाइड्रोफिली देखने को मिलेगी अमंग द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, 30। तो अगर मैं पूरे एंजियोस्पर्मिक या फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं, तो ओनली 30 जीनस आर यूज्ड टू ट्रांसफर देयर पॉलन बाय द वाटर। केवल 30 जीनस के मेंबर्स पॉलिनेशन करना प्रिफर करते हैं बाय द वाटर। और सबसे ज्यादा कॉमन, मोस्ट कॉमनली ये हमको देखने को मिलेगा मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट्स में, यानी कि मोनोकॉट्स में। तो इसको हम याद कर सकते हैं, मोनोकॉट का पहला वर्ड ले ले एम, और हाइड्रोफिली किसके थ्रू पॉलिनेशन है, वाटर के थ्रू, और वाटर का पहला वर्ड ले ले दैट इज डब्ल्यू। और यहाँ पे एक मिरर रखें तो ये दोनों अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो M को उलट दो तो W बन जाएगा, या W को उल्टा कर दो तो M बन जाएगा, एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो आसानी से याद कर सकते हैं M W, M मोनोकॉट, W वाटर के थ्रू। तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन किस में ज्यादा देखने को मिलेगा हमको, मोनोकॉट्स में। और अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इनमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो गैमेट का ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके थ्रू पॉसिबल है, वाटर के थ्रू। तो यानी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये वाटर का यूज करते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर गैमेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इनके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो ये वाटर बॉडी के आसपास या वाटर में प्रेजेंट होंगे, इस वजह से ये इनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ज्यादा लिमिटेड होगा, बहुत लिमिटेड होगा, या कह सकते हैं बहुत कम होगा, ये हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे। तो इतनी सी बात हमको समझ में आ गई अबाउट हाइड्रोफिली।
और अगर हम एनिमोफिली की तरह हाइड्रोफिली में भी एनिमोफिलस फ्लावर की तरह हाइड्रोफिलस फ्लावर की बात करें तो इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट फीचर हमको याद रखना है अबाउट हाइड्रोफिलस फ्लावर, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके पॉलन्स के बारे में। तो इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो पॉलन ग्रेन्स में अगर हम बात कर रहे हैं अंदर वाली वॉल की, तो अंदर वाली वॉल को सब लोग जानते हैं क्या बोलेंगे इसको, एंटाइम। और एंटाइम के बाहर यहाँ पे स्पोरोपोलेरिन की बनी हुई एक हार्ड लेयर प्रेजेंट होगी या वॉल प्रेजेंट होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्साइन। लेकिन अगर हम हाइड्रोफिलस फ्लावर के पॉलन्स को देखेंगे तो यहाँ पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होगी, एंड इन द प्लेस ऑफ एक्साइन देयर इज अ म्यूसिलाजिनस कवरिंग प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ पॉलन। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस म्यूसिलाजिनस कवरिंग ओवर द सर्फेस ऑफ पॉलन दे कैन नॉट गेट वेट। The mean is that the mucilaginous covering जो present है on the surface of pollen, ये इनको भीगने से बचाएगी। Pollen grains are protected from wetting by the presence of mucilaginous covering. इनको unwettable बनाएंगे, इनको भीगने से बचाएंगे ताकि ये डूब ना जाएं। तो ये एक बहुत important feature है कि यहाँ पे जो pollens होंगे वो unwettable होंगे, यानी कि यहाँ पे mucilaginous covering present होगी in the place of exine wall। या फिर अगर ओवरऑल हम हाइड्रोफिलस फ्लावर की बात करें तो जस्ट लाइक एनिमोफिलस फ्लावर, ये भी क्या होंगे, कलरलेस या ट्रांसपेरेंट होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कलरलेस, या इनको हम वाइट कलर्ड फ्लावर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो कोरोला या फिर जो पेटल्स हैं वो बहुत लेस डेवलप्ड होंगे और इनमें भी कोई यूनिक फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं होगी, यानी कि ये ओडोरलेस होंगे और ये भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिवार्ड्स ऑफर करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे नेक्टर्स बहुत लार्ज क्वांटिटी या अमाउंट में नहीं प्रोड्यूस होंगे दोनों केस में, बोथ इन केस ऑफ एनिमोफिलस एज वेल एज हाइड्रोफिलस फ्लावर, क्योंकि यहाँ पे या तो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू या तो हो रहा है किसके थ्रू, विंड के थ्रू, और दोनों ही एजेंट्स को हमें अट्रैक्ट करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो फ्लावर्स होंगे ये कलरलेस होंगे, वाइट कलर्ड कह सकते हैं हो सकते हैं ये, और ये ओडोरलेस होंगे। और ओवरऑल यहाँ पे जो हमको स्पेसिफिक बात याद रखनी है हाइड्रोफिलस फ्लावर के लिए, ओवरऑल पूरा का पूरा फ्लावर जो है वो अनवेटेबल होना चाहिए, यानी कि इस पे अगर वाटर की ड्रॉप्स पड़े तो ये स्लिप ऑफ हो जाएं, फॉल ऑफ हो जाएं, गिर जाएं, यानी कि इनको भीगने से बचाना है हमको एनी हाउ, अदरवाइज ये चिपक जाएंगे एक दूसरे में और हो सकता है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है वो ना कंप्लीट हो पाए। तो ओवरऑल हम ये समझ पा रहे हैं कि पूरा का पूरा फ्लावर अनवेटेबल होना चाहिए, और स्पेसिफिकली यहाँ का जो पॉलन्स है या पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी कैसे होने चाहिए, अनवेटेबल, और इनको अनवेटेबल बनाएंगी म्यूसिलेजिनस कवरिंग। ये बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में हमको देखने को मिलेगा, ज्यादातर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे सर्फेस पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है इनको भीगने से बचाने के लिए। ये तो हो गए इनकी स्पेसिफिक फीचर्स या कटने जो हम कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए एक हाइड्रोफिलस फ्लावर में। और इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स की बात करूं तो सिर्फ हमको वो एग्जांपल्स याद रखने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी में एक तो एग्जांपल हमको ये समझ में आना चाहिए कि मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट, मोनोकॉट्स जो है ये ज्यादातर प्लांट्स मोनोकॉटिलेडोनस प्लांट हाइड्रोफिली शो करेंगे, और जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल और जो दिए हुए हैं एनसीईआरटी में वो भी हमें याद रखना है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वैलिसनेरिया की, वैलिसनेरिया, या फिर एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, वो सारे के सारे प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होंगे उनको हम हाइड्रोफिटिक प्लांट्स या फिर एक्वाटिक प्लांट्स बोलेंगे या सिंपली हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। ये बहुत ईजी है, नाइन्थ क्लास से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये दोनों वैलिसनेरिया एज वेल एज हाइड्रिला ये फ्रेश वाटर्ड होंगे, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये जो जूस्टेरा है ये मैराइन सी ग्रासेस की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि ये मैराइन सी ग्रास है, यानी ये मैराइन वाटर में प्रेजेंट होगा। और थोड़ा सा अगर डिटेल में हम बात करें वैलिसनेरिया और जूस्टेरा के मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन के बारे में कि इनमें कौन सी स्पेशल मैकेनिज्म होती है पॉलिनेशन की, तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं अबाउट वैलिसनेरिया। तो वैलिसनेरिया की अगर बात करूं या फिर मैं किसी भी प्लांट की बात करूं जो प्रेजेंट होगा किसमें, वाटर में, उनको हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे।
तो सपोज ये वाटर का सरफेस है, वाटर बॉडी, इसके अंदर यहां पे पूरा वाटर भरा हुआ है इस तरीके से। तो यहां पे ये जो वैलिसनेरिया का फ्लावर है, वैलिसनेरिया का फ्लावर इनिशियली इमेच्योर स्टेज में इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे जैसे कि पिस्टिल और स्टैमेन, ये सबमर्ज्ड रहते हैं, ये वाटर बॉडी के अंदर डूबे रहते हैं। मैं ये इमेच्योर स्टेज की बात कर रहा हूं, इनिशियल स्टेज में जो वैलिसनेरिया का फ्लावर है ये वाटर बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, अंडर द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी के अंदर ये सबमर्ज्ड रहेंगे या डूबे रहेंगे। एंड ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द फ्लावर, यहाँ पे ये जो रिसेप्टिव सरफेस है स्टिग्मा, ये एक लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से अबव द वाटर सरफेस इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वाटर सरफेस से या तो वाटर बॉडी से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे बन रहे होंगे पॉलन ग्रेन्स, अगर एंथर मेच्योर हो गया है तो पॉलन ग्रेन का पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे आफ्टर द डाइसेंस ऑफ एंथर। और ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें याद रखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे राउंड शेप्ड होंगे, राउंड शेप्ड पॉलन ग्रेन्स होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमको ये याद रखनी है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स की डेंसिटी है ये वाटर की डेंसिटी से बहुत कम होगी। और अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि वाटर की डेंसिटी कम होगी, यहाँ पर भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होगी, वो हमने आपको बता दिया कि ये हाइड्रोफाइट्स में ये बहुत मोस्ट ऑब्वियस है, मोस्ट कॉमन फीचर है कि यहाँ पे इनके सरफेस पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। लेकिन हमको ये समझना है कि इनकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, वाटर की डेंसिटी से कम होगी। तो जैसे ही ये वाटर बॉडी के अंदर रिलीज होंगे, इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये वाटर के सर्फेस पे आ जाएंगे, ये वाटर के सर्फेस पे आ जाएंगे, यहाँ पे राउंड शेप्ड पॉलन जो है वो अबव द सर्फेस ऑफ वाटर आ जाएंगे ऊपर की तरफ। अब सपोज ये जो वाटर है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी कि ये पानी के बहने की दिशा ये है, इधर से इधर मूव कर रहा है, तो लकीली ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इस स्टिग्मा पे आ जाएंगे। और यहाँ पे जो स्टिग्मा है, यहाँ पे जो स्टिग्मा है, यानी कि इस पर्टिकुलर रिसेप्टिव सर्फेस की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलूंगा मैं स्टिग्मा, फीमेल रिसेप्टिव सर्फेस। और यहाँ पे स्टिग्मा ट्राइफिड होगी, वैलिसनेरिया का जो स्टिग्मा है ये ट्राइफिड है, ट्राइफिड, ट्राइफिड का मतलब इसका स्टिग्मा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ ऐसा, यानी कि यहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे एक कैविटी या पिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये कैविटी या पिट यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और जैसे ही ये पैसिवली मूव कर रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन ग्रेन्स की डेंसिटी कम होने की वजह से जैसे ही रिलीज होंगे सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और वाटर अगर इधर फ्लो हो रहा है तो वाटर करंट के साथ ये भी पैसिवली फ्लो होंगे। पैसिव फ्लो का मतलब ये है यहाँ पे किसी भी तरीके की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने आप वाटर के साथ पॉलन ग्रेन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अगर इधर आ रहे हैं तो स्टिग्मा में ये जो ट्राइफिट स्टिग्मा होने की वजह से यहाँ पे जो पिट या कैविटी है, ये पॉलन या पॉलन ग्रेन्स जो है इस कैविटी में आकर के यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाएंगे, फंस जाएंगे, एंड द पॉलिनेशन विल टेक प्लेस। जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन का ऑन द स्टिग्मा और ऑन द रिसेप्टिव सर्फेस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू हो रहा है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन को मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोफिली। और अगर वाटर सरफेस के ऊपर, ये है वाटर और सरफेस के ऊपर, यहाँ पे वाटर सरफेस के ऊपर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि पॉलिनेशन अबव द वाटर सरफेस हो रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूं ईपी हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, और अगर पॉलिनेशन हो रहा है अबव द वाटर सरफेस तो मैं इसको बोल रहा हूं स्पेसिफिकली ईपी हाइड्रोफिली, अबव फॉर ईपी, यानी कि ईपी के लिए, अबव के लिए ईपी मैं यूज कर रहा हूँ, और हाइड्रोफिली मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, और अगर अबव द सरफेस ऑफ वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको मैं बोल रहा हूँ ईपी हाइड्रोफिली। कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वैलिसनेरिया में। लेकिन अगर मैं बात करूं जोस्टेरा या मोस्ट ऑफ द मैराइन सी ग्रॉसेस की, तो यहाँ पे सपोज ये वाटर सरफेस है और यहाँ पे नीचे पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्लावर है सी ग्रॉसेस के जो फ्लावर्स हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे पिस्टिल और स्टैमेन, ये हमेशा डूबे रहेंगे पानी के अंदर, यानी कि सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट की अगर मैं बात कर रहा हूं, लाइक मैराइन सी ग्रॉसेस, सबमर्ज्ड का मतलब जो डूबे रहते हैं वाटर बॉडी के अंदर।
तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे, जो डेहिसेंस ऑफ एंथर के बाद रिलीज हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स लॉन्ग होंगे और रिबन लाइक होंगे, लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन ग्रेन्स होंगे। यहाँ पे भी म्यूसिलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज्यादातर हाइड्रोफाइट्स में ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। तो यहां से जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे अगर वाटर इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो। रिबन लाइक का मतलब ये है कि ये वाटर के अंदर ही, वाटर में डूबे हुए रह करके ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर लेते हैं आसानी से, उसी शेप पे मेंटेन हो जाते हैं जैसे कि वाटर के फ्लो होने के का शेप या डायरेक्शन है। यहां से रिबन टर्म यूज मैं कर रहा हूं। तो ये सरफेस के अंदर यानी कह सकते हैं अंडर द वाटर बॉडी, पानी के अंदर ही पॉलिनेशन हो जा रहा है। तो वो तो रहा है पॉलिनेशन किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। तो यहां पे भी टर्म मैं यूज करूंगा हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, लेकिन बिलो द वाटर सरफेस हो रहा है तो बिलो के लिए यहां पे मैं यूज कर रहा हूं टर्म हाइपो। तो इसको मैं बोल रहा हूं हाइपो हाइड्रोफिली, देखने को मिलेगा इसमें जोस्टेरा में। तो थोड़ा सा ये हमने डिटेल में आपको बताया कि वैलिसनेरिया में ईपी हाइड्रोफिली होगी, बल्कि जोस्टेरा या फिर ज्यादातर मैराइन सी ग्रॉसेस में हाइपो हाइड्रोफिली होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमको समझना चाहिए हाइड्रोफिली वाले टॉपिक में वो ये है कि क्या सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स या वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सारे एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या पॉलिनेशन सिर्फ वाटर के थ्रू होगा? यानी मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स या हाइड्रोफाइट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू ही होता है? इज दिस यूनिवर्सली ट्रुथ? यानी कि ये हम ये कह पाए कि क्या सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा? तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं आपको कि नॉट ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉट ऑल द एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स में, सारे के सारे एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, वाटर के थ्रू हो। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पॉलिनेशन बाई वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज लिमिटेड टू अबाउट ओनली 30 जेनरा एंड मोस्ट कॉमनली ये हमको देखने को मिलेगा मोनोकॉट्स में, ना कि सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स में। तो सारे के सारे हाइड्रोफाइट्स, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स जो वाटर में प्रेजेंट होंगे, एक्वाटिक जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उनमें वाटर के थ्रू ही क्या हो, पॉलिनेशन हो। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर लिली की, या फिर मैं बात करूं वाटर एसेंथ की जिसको हम आइकॉर्निया या टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, या फिर मैं बात करूं अगर लोटस की, तो ये सारे के सारे फ्लावर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये हाइड्रोफाइट्स होंगे, एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे, यानी कि ये वाटर बॉडी में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये लार्ज फ्लावर होने की वजह से इनके जो फ्लावर्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं अबव द वाटर सरफेस, और यहाँ पे पॉलिनेशन या तो विंड के थ्रू होगा या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा। यानी या तो यहाँ पे एनिमोफिली होगी या तो यहाँ पे एंटेमोफिली या जूफिली होगी। तो मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन हो, जैसे कि वाटर लिली और वाटर हैसिंथ, वाटर लिली या वाटर हैसिंथ या लोटस में इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन यानी एंटेमोफिली, या फिर विंड के थ्रू पॉलिनेशन यानी कि एनिमोफिली देखने को मिलती है हमको। यहाँ पे हाइड्रोफिली नहीं होता, यहाँ पे कंफ्यूजन हमको नहीं क्रिएट करना है कि वाटर वाटर लिखा हुआ है वाटर लिली और वाटर हैसिंथ में तो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होगा। यहाँ पे वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे विंड या इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको हाइड्रोफिली के लिए याद रखने हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन बाई बायोटिक एजेंट्स, या फिर हम लोग कहेंगे जूफिली। तो जूफिली को हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।